सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन भारत में फार्मर्स के प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं और इनके साथ साथ हम देखते हैं कि इन प्रोटेस्टर्स ने एक डिफरेंट काम किया पुलवामा अटैक की सेकंड एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट पुलवामा पर होने वाले हमले की याद में उसके यानी उसके ख़िलाफ़ किए इम्पॉटेंट थी ये बात क्योंकि ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था टेररिस्टों को कि अगर टेररिस्ट ये समझते हैं या एक्सट्रीमिस्ट ये, ये समझते हैं कि फार्मर्स को उनके एजेंडे के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है तो फार्मर्स के कुछ ग्रोहों ने बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं इसी सिलसिला में इसी कॉन्टेक्स्ट में एक लड़की की गिरफ़्तारी होती है जिसका नाम दिशा रवि है जो 21 बाईस साल लड़की है उस सिलसिला में भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बहस चल रही है इस लड़की के बारे में ये कहना है कि इसने टूल किट को अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था ना सिर्फ शेयर किया था बल्कि बनाने में एलज ये कहा जाता है कि एलज ये लड़की उन चंद लोगों में से है जिन्होंने उसमें अपना किरदार अदा किया यहाँ से कनाडा से अमेरिका से ये टूल किट बनती है आ, अपने फॉर्म में और पूरी प्लानिंग देती है कि किस तरह फार्मर्स के रूप में हज़ारों सैकड़ों लोग हमला करेंगे लाल किला पर जैसा कि 26 जनवरी को भारत में हुआ और ये एक बहुत ही घटिया साजिश थी घटिया हरकत थी और टूल किट अपनी जगह पर बहस का एक ज़बरदस्त मौजू है यह हैं आज के बिला तकल्लफ़ के मौजूद कोविड वैक्सीन पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और पाकिस्तान में जो आ, सोशल मीडिया के लिए बातचीत हो रही है कि ट्विटर पर उनके वो अकाउंट्स क्यों बैन किए गए पाकिस्तान की सरकार का ये कहना है जो कश्मीर का प्रोपेगेंडा करते थे वो ये कहते हैं कि कश्मीर ले कर रहेंगे कश्मीर की बातचीत हम ट्विटर पर करते रहेंगे एटलीस्ट हमें ट्विटर पर तो ये बातचीत करने दें खैर वो तो ये नहीं कहते मगर उनके कहने का मकसद यही है लेकिन भारत की तरफ से फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि ट्विटर के साथ भारत की सरकार की ठनी और उन्होंने कहा कि आप क्यों फार्मर्स को जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर फार्मर्स के प्रोटेस्ट को क्यों आप एक्सप्लॉयड करते हैं किसी और रंग में क्यों कोई और रंग देते हैं एजिटेशन क्यों वहाँ पे इस तरह की लॉलेस वाली जन्म लेती है भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा काम हुआ वो सरकार का, का काम नहीं है भारत के प्राइवेट सेक्टर का है मगर सरकार भी उसको इंडोर्स कर रही है वो ये है कि ट्विटर के मुकाबले में कू का के डबल ओ ए का आना बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने भी इस पर साइन किया है वाकई ही ये बहुत ही फ्रेंडली ऐप है और इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे तो आज का जो टॉक शो है पंद्रह फरवरी का उस पर बातचीत हम देखते हैं कि हमारी वही फोकस होगी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन के हवाले से मानमार में जो चल रहा है वो भी आपके सामने है चीन ख़ास तौर पर म्यांमार के स्कू के पीछे है और वैक्सीन के बारे में यूनाइटेड नेशंस ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज ही कहा है कि चाइना पेंडेमिक की जो एक तरह से फैक्ट्स हैं जो जहां से शुरू हुई वुहान से वो पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा क्योंकि अगर चाइना की मदद नहीं हमें मिलती तो हम आइंदा आने वाली इस तरह की पेंडेमिक पर काबू नहीं पा सकेंगे मैंने कुछ बातें की हैं अब ज़रा मैं तफसील से उन बातों की तरफ आता हूँ आ, भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट विद्या रानी जो कांग्रेस की लीडर हैं हरियाणा से उनकी आई उन्होंने कहा कि हम फार्मर्स को आ, हमें पैसा भी देना चाहिए उनको खाने भी देने चाहिए वेजिटेबल भी फ्राह्म करनी चाहिए और उनको लेकर भी देने चाहिए उनको शराब भी देनी चाहिए इस पर राकेश तेखत जी ने रिएक्ट किया उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की अपनी पार्टियों में शराब चलाया करें हमारे यहाँ शराब की कोई ज़रूरत नहीं है अब विद्या रानी जी ने ऐसा क्यों कहा ज़ाहिर है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है वो हिस्ट्री बड़ी सादा सी है कि फॉर्मर्स प्रोटेस्ट के जो डिफरेंट कैंप्स लगे हुए हैं सिंगू बॉर्डर पर या गाज़ीपुर पर उसमें बहरहाल शराब के जो हैं टोकरे बढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि सर्दी है और फिर शराब उनको फराम कौन कर रहा है उसी कॉन्टेक्ट में विद्या रानी ने कहा कि जब शराब चल ही रही है कि हम भी फिर दे दें वो जो जिसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लें अगर ये प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं तो इसमें हम भी अपना फ़ायदा उठा लें ये बहरहाल उनका अपना पॉलिटिकल मोटिव था राकेश तखित जी ने इस पर रिएक्ट किया चूँकि वो इस बात को छुपाना चाहते हैं कि शराब की टोकरें चल रही हैं या वो कांग्रेस से मदद लेना नहीं चाहते बहरहाल मदद भी कांग्रेस से आ रही है वही इस बात का राकेश टेखर जी को भी पता है फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहरहाल बहुत ज़्यादा पोलिटिसजेशन हो चुकी है पहले दिन से थी अब बढ़ती चली जा रही है रेडिकलाइजेशन भी बढ़ती चली गई छब्बीस जनवरी को हमने उसका मुजाहरा देखा और जब छब्बीस जनवरी को भारत में हुआ वो एक टूल किट से जुड़ा हुआ है टूल किट बनने का जो अमल है वो भारत से लेके यहाँ तक कनाडा तक जुड़ा हुआ है यहाँ पे बनती है फिर टूल किट शेयर कौन करता है ग्रेटा के साथ और ग्रेटा क्या इतनी ही बड़ी पर्सनालिटी है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प से लेके हमारे कैनेडियन पॉलिटिशियंस तक के लिए एक कंसर्न का होती थी बास वो बच्ची जो स्कूल नहीं जाती आ, वो बच्ची जो इस वक्त आ, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनकी ऑर्गन बढ़ी हुई है उनकी स्पोक्स पर्सन बनी हुई है उसकी बात भी हमें ठीक से समझ नहीं आती लेकिन बहरहाल ये दुनिया सेलेब्रिटी की दुनिया है और सेलेब्रिटीज़ की जो दुनिया है वो बदकस्मती से या इंटरेस्टिंगली इस वक्त लेफ़्ट के हाथों में ही है सारे की सारी और उनकी पी आर फर्में होती हैं चाहे मलाला यूसफई जैसी वो नोबल विनर्स हों उनको नोबल प्राइज़ मिलने के बाद वो अपना कारोबार शुरू कर देती हैं दुनिया में सेलेक्टिव हो जाती हैं जो चीज़ें उनको ह्यूमन राइट्स की लगती हैं वो बात करती हैं बाकी दुनिया में उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं उनके साथ जुल्म होता है ख़ुद उनकी अपनी कौम पश्तूनों में क्या जुल्म नहीं होता मलाला यूसफ़ई उस पर बात नहीं करते और इसी तरह दिशा रवि जो हैं वो भी आ, बहुत हैं अपनी उम्र के हिसाब से छोटी हैं लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है जब उनसे वेस्टर्न मीडिया बातचीत पूछता है तो वो खुल के बातचीत करती हैं और इसी सिलसिले में मैं दिशा रवि का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ Reactionary, I mean, Hindu nationalism, conservative attitudes about women's roles. We don't even hear that he has a wife. Um, why Why did Indians elect him and, and re elect his party? Uh, so, the Modi government is a very right wing party, and I think one thing he did right was uh, he was able to make people understand about his aims and he really convinces the larger population that a muslims for some reason are somehow they're doing something wrong and all of his, and the press is really controlled by him so a lot of the main press is right wing uh, so my parents support him i don't um, and Everyone who doesn't support him is silenced in the most horrific way, and it isn't shown by like the mainstream press. So you need to go to alternative press, and even the alternative press uh, was was sued for publishing what they did. So there's next to no freedom of press in India. Wow. Um, so he's really convinced everyone that what he's doing is good, uh, which is uh, his, there's so many questionable things about his governance.

उनको अरेस्ट किया गया हालांकि ये एक वीडियो क्लिप उनका थोड़ा पुराना है वो वेस्टर्न मीडिया को बताती है वेस्टर्न मीडिया की जो जर्नलिस्ट भी उनसे पूछ रही हैं जूम पे या स्काई पे वॉट ऑनलाइन जो पूछ रही है मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं तो उन्होंने अपना नेरेटिव पहले से तय किया होता है और पर्सनल ये बातें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें शादी नहीं की हुई वो कैसे उस देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और कैसे उनको कॉम इलेक्ट करती है अनबिलीवेबल इस तरह की बातचीत होती है दुनिया में बहुत सारे लीडर्स के बहुत सारे जो होते हैं जिंदगी के अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं आप उनसे ये बात पूछेंगे कि वो आपने ऐसा क्यों नहीं किया क्यों किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी छः साल से प्राइम मिनिस्टर हैं और छः साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया अब तो और उससे पहले बारह साल वो चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी की जो करेक्टराइजेशन है उनके बारे में भारत का जो मीडिया है और ये जो भारत के जाली और फैशनी आ, होते हैं लेफ्टिस्ट वो आज तक उनकी करैक्टर्स पे कोई बुरी बात नहीं कर सके सोआई राइट विंग हिंदुत्वा राइट right विंग हिंदुत्वा के अलावा जो राइट right विंग हिंदुत्वा भी उनको समझ नहीं आती वो हिंदुज़म का ही एक फॉर्म है उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है एक अपनी कन्विक्शन का नाम है लेकिन अनबिलीवेबल ये जो लोग हैं अब इस बच्ची को या इस औरत को बाईस साल ये ख़ातून है इनको गिरफ़्तार किया गया इसकी अपनी सोच है अब ये कहा जा रहा है कि एक यंग लड़की को क्यों गिरफ़्तार किया गया अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ बोलती हैं इसलिए नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ तो बहुत सारा भारत बोलता है तो वो सब मज़े से रह रहे हैं लेकिन ये जो टूल किट का मामला था ये बहुत सेंसटिव मामला था जिसने ने इंसुरक्शन की अटैक के जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ अटैक इंडियन डेमोक्रेसी पे हुआ ये इलेज इस खातून ने ग्रेटा के साथ शेयर किया था ये एक्सट्रीमिस्टों का बनाया हुआ टूल किट जिसमें कहा जाता है कि दली बनाने में शायद इसकी भी कोई मदद शामिल होगी मगर ये बात एलज ज़्यादा कही जा रही है कि इस खातून ने वो ग्रेटा को दिया और उससे ऑफकोर्स इंसुरक्शन हुई अब ये इंसुरक्शन उसी तरह की थी जिस तरह की दिल्ली में कैपिटल जिस तरह माफ़ कीजिए वाशिंगटन में कैपिटल हिल पे हुई थी और जिस पे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने शदीद रिएक्शन शो किया आज भी यानी छः जनवरी को वो अटैक हुआ था अभी दो रोज़ पहले ही इम्पीचमेंट ट्रायल फॉर्मर प्रेजिडेंट पर ख़त्म हुआ है तो ये तो फिर एक सिटीज़न है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पे उस इंस्ट्रक्शन पे इम्पीचमेंट ट्रायल ख़त्म हुआ दो रोज़ पहले इतना शदीद दुनिया की जो सबसे ओपन डेमोक्रेसी अमेरिका ने किया रिएक्ट और जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अपने साइज़ में यानी भारत वो अगर रिएक्ट करता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर उसकी डेमोक्रेसी पे हमला होता है और जो लोग इस तरह के डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं वो उनको गिरफ़्तार किया जाता है वो बहरहाल कोर्ट का मामला है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है अब ये कहना कि क्यों किया गया ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का ट्विटर अकाउंट तक जो था वो बैन कर दिया गया था और उस तरफ तो अभी उस तरह के इकदाम ही भारत में नहीं हुए उतना बड़ा शदीद अटैक हुआ उस अटैक के तनासब में उस अटैक के प्रपोशन में अगर हम देखा जाए तो अभी तक भारत की सरकार ने उस तरह के सख्त इकदाम ही नहीं किए लेकिन फिर भी इतना खौफनाक प्रोपगैंडा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ चलता रहता है ये भारत की ही डेमोक्रेसी है जो इतनी बड़ी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते रहते है। मैं इसमें थोड़ी सी आगे चलकर बातचीत करूँगा पुलवामा अटैक की सेकेंड एनिवर्सरी को हम नहीं भूल सकते और दो तीन रोज से बहुत सारे इस पर जो है उस एनिवर्सरी को एक तरह से मनाते हुए कंडमनेशन की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और जो इम्पोर्टेंट थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से फार्मर्स ने लुधियाना में भी सिंगू बॉर्डर गाजीपुर में भी ये इस तरह के प्रोटेस्ट किए हैं और उन्होंने कहा है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था बहुत ही घटिया काम था और टेररिस्टों की जितनी मजम्मत की जाए कम है हम फार्मर्स की ही ये वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं आज का जो प्रोटेस्ट है जो पुलवामा के 40 जवान जो शहीद हो गए थे आज उनके दोस्त दूसरी उनको श्रद्धांजलि समागम हम कर रहे हैं उनको हम कैंडल मार्च करके हमारे जवानों जो शहीद हो गए थे पुलवामा में गए उनके लिए आज संयुक्त मोर्चे के जो प्रोग्राम है किसान मजदूर जो जुनिय, किसान यूनियनों का उसके आज संयुक्त मोर्चे के फैसले के अनुसार हम पूरे गांव-गांव में पूरे जहाँ पर भी हमारे धरने चल लगे आप हम पूरे कैंडल मार्च निकाल कर के आज उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं देशान, देशान, देशान। देशान, देशान। देशान, देशान, देशान। तो किसानों ने अपनी सोलडी दिखाई उन विक्टम्स के साथ जो पुलवामा टेररिस्ट अटैक के विक्टम थे 40 से ज़्यादा भारतीय फ़ौज के नौजवान शहीद हुए और टेररिस्टों की वो इंतहाई एक घटिया और काविड जो थी काविश थी उनका अटैक था और उसके बाद भारत की सरकार ने उस पर शदीद जो एक सिक्योरिटी मईस हैं वो की हुई हैं अब इसी सिलसिले में पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे कुछ ट्विटर अकाउंट्स को क्यों बैन किया जा रहा है हम ट्विटर से डील करेंगे और पाकिस्तान का ये कहना है कि जो हमारा कश्मीर का नेरेटिव है उसको दबाने की सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ट्विटर कोशिश करता है हम ट्विटर को इस सिलसिला में आ, रोकेंगे उधर भारत को भी ट्विटर से शिकायात हैं और उनका ये कहना है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से जिस तरह ट्विटर ने तौर पर वो जो टूल किट है और जिस तरह भारत के ख़िलाफ़ जहरीला प्रापागेंडा ट्विटर ने किया वो हमें कबूल नहीं भारत ने भी कुछ ऐसे अकाउंट्स जो थे ट्विटर के ट्विटर के हवाले किए कहा है कि इनको बंद होना चाहिए ट्विटर ने कुछ घंटों के लिए बंद किए वो बंद नहीं हुए बहरहाल भारत के यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये जो, जो काम हुआ वो कू के नाम से एक और ट्विटर के हम पल्ला ऐप बन बन रही थी वो अब लॉन्च हो गई है रिसेंटली मैंने भी कू पर किया है अपने आप को साइन इन तो कू एक बहुत ही फ्रेंडली ऐप है अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्विटर को कू से कुछ चैलेंज तो हुआ है आपको पता है कि पार्लर को अमरीका में आ, जो ऐप स्टोर है उन्होंने भी वहाँ से निकाल दिया चाहे वो गूगल का ऐप स्टोर हो चाहे वो एप्पल का ऐप एप स्टोर हो दोनों ने दुनिया के दो बड़े जाइंट्स हैं उन दोनों ने निकाल दिया और पार्लर बिल्कुल पैरल जो एक वेबसाइट था वो पैरलाइज हो गया पार्लर जो पैरल ट्विटर अकाउंट के हो सकता था वो पैरालाइज कर दिया गया इन बड़े बिग टैक्स की वजह से अब भारत में क्या ट्विटर या इस तरह के जो बड़ी बड़ी बिग टैक कंपनीज हैं वो इस कू को पैरालाइज कर देंगे आई डोंट थिंक सो चूंकि भारत एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का कंट्री है और अगर एप्पल्स ने और गूगल्स ने भारत के साथ मैस करने की कोशिश की या ट्विटर ने भारत के साथ मैस करने की कोशिश की तो 1.5 बिलियन लोगों के कंट्री की मार्केट खो देंगे ऑलरेडी इनकी क्रेडिबिलिटी ख़ास तौर पर ट्विटर फेसबुक की भारत में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो चुकी हुई है इस सिलसिले में ये कू आगे जाएगा ये जो ट्विटर आ, के मुकाबले का एक है हैंडल मैं इसको मुकाबले का भी नहीं कहता मैं कहता हूँ कि ऑल्टरनेट मीडिया होने चाहिए सिर्फ ट्विटर की ही अजारादारी क्यों हो और मैं तो ये भी कहूँगा कि को भी सिर्फ ना रहे बल्कि और भी सोशल मीडिया को आना चाहिए ताकि जो हम आम जनता है उन सब के पास चॉइस हो बात करने की ये जो अथॉरिटेरियन रवैया है ये नहीं होना चाहिए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पे आप ज़्यादा से ज़्यादा साइनअप हो ताकि एक बड़ा स्ट्रांग मीडिया आपकी मदद से इस्टबलिश हो कू काफ़ी फ्रेंडली है और ट्विटर की तरह है इसमें अभी कुछ फीचर्स मुझे लगता है कि आ, उनकी ज़रूरत है और तो धीरे धीरे वो ज़रूर आएंगे और कू पे इस वक्त भारत की जो सरकारी हस्तियां हैं जो वहाँ की ब्यूरोसी है पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी लोग आ चुके हैं ऑलरेडी और कु भारत में पॉपुलर हो रहा है मैंने कनाडा में बैठ के टैग टीवी को भी साइन किया है पर्सनली अपने आप को भी साइन किया है आप भी साइन कीजिए अमेरिका में और कनाडा में यूरोपियन यूनियन में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में इससे क्या होगा कि एक आपके पास अल्टरनेट प्लेटफॉर्म आएगा ये मैं दावे से कहता हूँ कि मुमकिन नहीं है कि ये जो मनोपली रखने वाले बड़े बड़े बिग टैग हैं ये इसको एप्स रोड से निकाल दें अगर निकालेंगे तो एक बहुत बड़ी जंग ये मूल लेंगे इसलिए कि भारत ना ट्विटर को बैन कर रहा है ना फेसबुक को लेकिन एक ऑल्टरनेट मीडियम दे रहा है और इन बड़ी बड़ी बिग टैक्स को भारत के साथ बहरहाल बिजनेस करना है ये बिज़नेस की ही दुनिया है और ये बिज़नेस ही कर रहे हैं बिग टैक्स और कू को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए आखिर में मैं पाकिस्तान के हवाले से जो बातचीत कर रहा था इसी ट्विटर और सोशल मीडिया के साथ जो उनकी जंग है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिस्टर शिबली फराज एक वेल नोन उर्दू पोइट अहमद फ़राज के साहबजादे हैं उन पर बीबीसी ने कुछ इल्ज़ाम लगाए कुछ सवाल किए उनसे उन कि आप पर या आपकी सरकार पर यह इल्ज़ाम है कि आप नेरेटिव को दबाते हैं तो इस बार उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम सोशल मीडिया पर आज़ादी राय को सलब कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ ये एक मुहिम है आज़ादी राय को कोट मिस्टर शबली फराज कहते हैं आज़ादी राय को मुझसे बेहतर कौन जानता है अहमद फराज का बेटा हूँ मैं अनकोट इंटरेस्टिंगली यानी अब तक जो पाकिस्तान की अथॉरिटेरियन मिलिट्री एलीट की जो सपोर्ट वो करते चले आ रहे हैं साल हर साल से अहमद फराज के बेटे होने की वजह से ही कर रहे हैं हालांकि इनके बाप ने तो मुखालफत की थी तो ये अपने बाप की फिर क्या रवश को लेके आगे चल रहे हैं या अपने बाप के नाम को बदनाम कर रहे हैं ये बहरहाल आने वाला वक्त तो बाद में बताएगा आज का वक्त ही बता रहा है कि ये अपने बाप के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं इनका अपना नाम तो ख़ैर कोई है नहीं इनका मज़ीद ये कहना है कि पाकिस्तान पर जो अटैक होता है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर बैठ के या बाहर बैठ के उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ख़ास तौर पर फ़ौज पर जो अटैक होता है क्रिटिसिज्म यानी अटैक से मुराद है क्रिटिसिज्म वो तो हम बर्दाश्त करेंगे ही नहीं और पाकिस्तान के किसी इदारे पे भी हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे जब इदारे की बात होती है तो फ़ौज और इंटेलिजेंस नंबर वन अदारे होते हैं तो ये अहमद फराज का बेटा कह रहा है और फिर वो दावे से कह रहा है कि मैं आफ़्टर ऑल अहमद फराज़ का बेटा हूँ तो मई आप अपने बाप के नाम को बदनाम ना करें लेकिन अगर इस चीज़ को मैं सीरियस तरीके से देखूँ तो अब पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स के जो एब्यूज़ हैं जो टेररिज्म का बैगेज है या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे लोग हम भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और भी दुनिया के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं अब उनका ये कहना कि हम इसको क्रिटिसाइज़ नहीं होने देंगे तो ठीक है आप ट्विटर को बैन कर दें ट्विटर अगर यहाँ अमेरिका कनाडा भारत या कहीं पे बैठा हुआ ट्विटर ख़ुद तो नहीं बात हर करता ट्विटर तो एक प्लेटफार्म है या फेसबुक एक प्लेटफार्म है उन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो क्रिटिसाइज़ करते आप ना सुने एक ज़माने में पाकिस्तान ने यूट्यूब को भी बैन किए रखा था शुरू शुरू में जब यूट्यूब आया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने यूट्यूब को कई साल तक बैन रखा तो यूट्यूब का क्या बिगड़ा पाकिस्तान के लोग ही प्रॉक्सी वो करके वो यूट्यूब देख लिया करते थे जिनको थोड़ी बहुत इंटरनेट की लैंग्वेज समझ में आती है बाकी लोग नहीं देख पाते थे फिर पाकिस्तान का अपना मैसेज भी नहीं पहुंचता था जो इनके अपने यूट्यूब पे इतने लाखों चैनल चल रहे हैं प्राइवेट और सरकारी और नीम सरकारी वो नहीं चल सकते थे इनके अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो चल रहे हैं वो वो भी फिर नहीं चलेंगे तो ये वो सिचुएशन है जिस पर बजाय ये कि पाकिस्तान को ये फिक्र हो कि हमें अपने इदारों की सालमियत को बरकरार रखना मैं समझता हूँ चलिए आप के जूते में हम अपना पाँव डालते हैं आपको ये बात पसंद नहीं है कि कोई आप पर तनकीद करें आप उसको बेजा तनकीद करते हैं समझते हैं जो तनकीद करते हैं उनका ये ख्याल है कि वो बिल्कुल जायज़ तनकीद है तो फिर ठीक है आप उनको बैन कर दीजिए या आप अपना भी ऑल्टरनेट कोई ले आइए जिस तरह भारत में कू ले आए हैं इसी तरह भी आ, आप बल्कि सी ओ यी सी ओ यू पी वाला कू ले आए जो म्यांमार में हुआ है वो तो ऑलरेडी है आपके यहाँ आप इस नाम की एक वेबसाइट ले आए जो जो ज़्यादा अच्छी है तो अगर आप इस तरह का लाते हैं आप अपना दीजिए नेरेटिव लेकिन भारत बैन तो नहीं कर रहा है ट्विटर को भारत ये कह रहा है कि भाई हम आपसे एग्री नहीं करते इन इश्यूज़ पे सिर्फ लेकिन चलिए आप करते रहें बात हम अपना एक अपना अल्टरनेट मीडियम लाते हैं भारत ला सकता है दुनिया में जो आईटी के जो बड़े बड़े नाम है वो भारत से तल्लक उनका है तो मुझे तो बहुत अरसे से कहना था कि भारत के इतने बड़े बड़े आईटी के नाम दावा करने वाले लोग अभी तक अपना सोशल मीडिया ही नहीं बना रहे मेरा कुछ गिला आज कम हो गया कि वो कुछ आ रहे हैं कु की बात हो रही है तो मैं इस पर आखिर में दो चार शब्द जो म्यांमार में चल रहा है उस पर ज़रूर कहूँगा कि वहाँ तो कुछ कुछ दिनों से आया हुआ है इससे पहले भी फ़ौज का इनडायरेक्ट कंट्रोल था और वो सब चल रहा है और दुनिया का मीडिया ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि चाइना इसके पीछे है चाइना की बात हो रही है तो दो आखिरी शब्द कोविड वैक्सीन के हवाले से जो मैंने शुरू में कहे वो भी इम्पॉटेंट है दोबारा उस पर ज़ोर देना वो इस हवाले से कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने आज ही कहा है और इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम मुतमन नहीं हैं चाइनीज़ हुकाम चाइनीज़ सरकार हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे उस तहक़ीक को करने के लिए उस रिसर्च को करने के लिए वुहान से जो पेंडेमिक दुनिया में फैला जिसने दुनिया को एक साल से ज़ायदा हो गया अपनी लपेट में रखा हुआ है दुनिया की इकॉनमी ज़िंदगी को पैरालाइज कर दिया है और ये साल भी 2021 का भी पेंडेमिक की नज़र ही होगा और मुझे तो लगता है आने वाले चंद और साल भी पेंडेमिक के आफ्टर इफ़ेक्ट्स में रहेंगे और भगवान ना करे खुदा ना करे कि कोई और इस तरह की पेंडेमिक छूटे बहरहाल आज के बेला तलब में जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैंने एक एनालिसिस की सूरत में आपके सामने पेश की आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऊपर शेडो बैनिंग भी चलती रहती है हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप सर्कुलेट कीजिए ताकि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और शेडो बैनिंग का सिलसिला कम हो और इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी डोनेट का बटन दबाइए और उसमें आप डोनेट कीजिए पेपॉल क्रेडिट कार्ड या पैट्रियन पर आप हमें पैट्रोनाइज कीजिए आज का बेलात कलर तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन